काफ़ी दिनों से गुली और बली का दिन काफ़ी सुकून से बीत रहा है। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात के वक्त इन लोगों ने पॉटी पासवान को अपने घर पर बुलाया है, क्योंकि पॉटी पासवान इन लोगों को बिना बताए कहीं पर घूमने चला गया था। उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने पॉटी पासवान को बुलाया अपने घर पर और ये लोग पॉटी पासवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इंतजार करते करते गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली सॉन अभी तक आया कि नहीं, उसने तो कहा था कि वो 2 घंटे में आ जाएगा, अभी तो 3 घंटे हो चुके हैं। और ये सब सुनकर गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली, 3 घंटे तो हो चुके हैं, हो सकता है कि वो अपने घर पर ही रुक गया हो, उसे हमारी चालबाजी का पता चल गया हो। वो बहुत चालाक चीज है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम लोग उससे भी बड़े चालाक चीज है। चलो जल्दी जीप में बैठो, उसके घर चलते हैं, वो हमें जैसे ही दिखेगा हम उससे अपना बदला ले लेंगे, जल्दी बैठो जीप में, नहीं तो वो वहाँ से भी भाग जाएगा। ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हाँ बुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, ये आइडिया बहुत ही परफेक्ट रहेगा, अब चलो जल्दी जीप में बैठते हैं बिना देर किए हुए। और इतना बनकर गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठने के लिए जीप के पास जाने लग जाते हैं। ये लोग जैसे ही जीप के पास पहुंचते हैं, गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठ जाते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और फिर ये लोग वहां से तेजी से निकल जाते हैं स्वान के घर की तरफ। और थोड़ी ही देर में ये लोग सोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही सोहन के घर के पास पहुंचते हैं, गुल्ली और बुल्ली सोहन के घर की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सोहन घर के बाहर हो, लेकिन सोहन तो घर के बाहर है ही नहीं। और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, सोहन तो घर के बाहर है ही नहीं, तुम जरा घर के अंदर जाकर देखो कि वो है या नहीं, अगर होगा तो उसे घसीटते हुए यहाँ पर ले आना, हमें उससे बदला जो लेना है। और ये सब सुनकर गुल्ली गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाता हूँ उसके घर में, अगर वो मुझे अपने घर के अंदर मिला तो मैं घसीटते हुए तुरंत यहाँ पर उसे ले आऊँगा, हो सकता है कि वो डर के मारे अपने घर में ही छुप गया हो, चलो अब तुम मेरा यहीं पर रहकर इंतज़ार करो। और इसके बाद गुल्ली सोहन के घर की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में बुल्ली सोहन के घर के पास पहुंच जाता है। बुल्ली जैसे ही सोहन के घर के पास पहुंचता है, वो सोहन के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब कोई भी जवाब नहीं आता तो बुल्ली समझ जाता है कि सोहन घर पर नहीं है, और इसके बाद बुल्ली गुल्ली के पास जाने लग जाता है। बुल्ली गुल्ली के पास पहुंचते ही जीप में बैठता है और गुल्ली बुल्ली को देखकर कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, तुम खाली हाथ यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सब सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अरे, मैं खाली हाथ इसलिए आया हूँ क्योंकि सोहन तो घर पर है ही नहीं, अब हो सकता है कि वो बाबा के घर पर चला गया हो, अब चलो जल्दी बाबा के घर पर चलते हैं उसे ढूंढने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर की तरफ जाने लग जाते हैं काफ़ी तेज़ी से, लेकिन बाबा के घर यहाँ से बहुत दूर है इसलिए इन लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा बाबा के घर पर जाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ सोहन भी अपनी स्कूटर से काफ़ी तेज़ी से जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। सोहन को काफ़ी देर हो गई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और इस वजह से उसके 1 घंटे बर्बाद हो गए, इसलिए सोहन काफ़ी तेज़ी से स्कूटर भगाते हुए ले जा रहा होता है। लेकिन सोहन को ये नहीं पता कि ये जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ पर वेंडिगो नाम का शैतान रहता है। सोहन जा ही रहा होता कि तभी उसकी स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसकी स्कूटर वहीं पर रुक जाती है। ये देखकर सोहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो स्कूटर से उतरता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है कि शायद कहीं उसे कोई मिल जाए जिससे वो पेट्रोल मांग सके। सोहन यहाँ वहाँ देख ही रहा होता है कि तभी सोहन को कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जिसे देखकर सोहन को थोड़ी राहत मिलती है। सोहन देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो कार बहुत ही अंधेरे में खड़ी है, इसलिए सोहन को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सोहन उस कार को पास से देखने के लिए उस कार के पास जाने लग जाता है।
क्योंकि सोहन को लगता है कि अगर कार यहाँ है तो उसमें पेट्रोल जरूर होगा, वो उस कार से पेट्रोल निकाल लेगा। यही सोचकर सोहन उस कार के पास जाने लग जाता है काफ़ी तेज़ी से, और थोड़ी देर में वो कार के पास पहुँच जाता है। सोहन कार के पास पहुँच कर ये देख कर हैरान है कि इस कार का तो एक्सीडेंट हो चुका है, और तभी देखते ही देखते उस कार से एक ड्राइवर बाहर निकलता है। और सोहन उस ड्राइवर को देखकर उस ड्राइवर से पूछता है कि कौन हो तुम, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुमने ही तो नहीं इस कार का एक्सीडेंट किया है और इस कार में चोरी करने के लिए तो नहीं घुसे थे। और यह सब सुनकर वो ड्राइवर बोलता है, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ समझे तुम, ये कार भी मेरी ही है, मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, और मेरा नाम है चुन्नी, मैं बहुत ही जल्दी में था इसलिए मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से जाने में। ये सब सुनकर सोहन उस ड्राइवर से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये तुम्हारी ही कार है, तुम्हें सावधानी से कार चलानी चाहिए थी, अब एक्सीडेंट हो गया है, खैर छोड़ो, मेरे पास मेरी स्कूटर है लेकिन उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्या तुम्हारे पास पेट्रोल है। ये सब सुनकर वो ड्राइवर बोलता है सोहन से, नहीं मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मेरी कार में जो पेट्रोल था वो भी गिरकर ख़त्म हो गया, क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से पेट्रोल लीक होकर ख़त्म हो गया, अब मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुककर इंतज़ार करना चाहिए या फिर आसपास देखना चाहिए कहीं कोई घर तो नहीं जहाँ से हमें पेट्रोल मिल सके। और इतना बोलकर सोहन और चुन्नी जाने लगते हैं आसपास देखने के लिए कि कहीं पर कोई घर तो नहीं। ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं आसपास देखते हुए काफ़ी तेज़ी से कि तभी इन लोगों को एक घर दिखाई देता है जो कि काफ़ी भयानक और सुनसान लग रहा होता है। ये देखकर इन लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये घर तो कुछ ज़्यादा ही भयानक और सुनसान और डरावना लग रहा है, कहीं इस घर में कुछ खतरा तो नहीं। और ये देख कर सोहन चुन्नी से बोलता है कि चुन्नी मुझे लगता है इस घर में हमें पेट्रोल मिल जाएगा, चलो एक बार चल कर देखते हैं। और ये सब सुनकर चुन्नी सोहन से बताता है कि हाँ हमें जल्दी से जल्दी इस घर में जाना चाहिए और हमें पेट्रोल ढूंढना चाहिए, और मुझे भी लगता है इस घर में पेट्रोल मिल जाएगा लेकिन हमें ज़रा सावधानी से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक शैतान रहता है जिसका नाम है वेंडिगो, और वो रात को 12 बजे के बाद आता है और किसी भी इंसान को देख लेता है उसे मार कर उसकी रूह को निकाल कर अपने साथ लेते जाता है, इसलिए हमें काफ़ी सावधानी से इस घर में जाना होगा और छानबीन करते हुए भी हमें काफ़ी सावधान रहना होगा। और इतना बोलकर ये दोनों उस घर की तरफ जाने लग जाते हैं काफ़ी तेज़ी से। ये लोग जैसे ही उस घर के पास पहुंचते हैं कि ये लोग देखते हैं कि नीचे वाले रूम का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, और ये देखकर सोहन उस दरवाजे को खोलता है और घर के अंदर चला जाता है पेट्रोल ढूंढने के लिए, और चुन्नी सोहन के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद सोहन उस घर के बाहर आ जाता है वो भी खाली हाथ, और सोहन चुन्नी से बोलता है कि चुन्नी घर इस वाले रूम के अंदर कोई भी पेट्रोल नहीं है, चलो ऊपर चल कर देखते हैं। और इतना बोलकर ये लोग ऊपर के रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं, और ये दोनों जैसे ही ऊपर जाते हैं ये दोनों आस पास तुरंत पेट्रोल ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों को कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा होता है, और थोड़ी देर बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस घर में कहीं भी पेट्रोल नहीं है। और इसके बाद ये लोग नीचे आने लग जाते हैं रोड पर जाने के लिए कि शायद कोई यहाँ से गुजरता हुआ इन लोगों को मिल जाए और वो इन लोगों की मदद कर दे। यही सोचकर ये लोग घर के नीचे आ जाते हैं कि तभी ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा अब सोहन और चुन्नी का, क्या सोहन और चुन्नी बच पाएंगे या फिर वेंडिगो इन दोनों को मारकर इन लोगों की रूह को अपने साथ लेकर चला जाएगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।